ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента. Death is the only solution to all problem. No man, no problem. Friends, the 5th of March 1953. ऐसा भयानक सोच रखने वाला एक क्रूर तानाशाह मारा गया और हजारों लोगों ने राहत की सांस ली। जिस तानाशाह की हम बात कर रहे हैं वह था जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन, जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। आपको जानकर हैरानी होगा, स्टालिन ने लाखों रसियन की जान ली। कहा जाता है उसने तानाशाही की सारी हदें पार कर सोवियत रूस को दुनिया के खूनी किलिंग में परिवर्तन कर दिया। लेकिन आखिर कौन था स्टालिन, जिसके जीवन की कहानी रोचक है, जिसकी मौत रहस्यमय है, जिसकी गुत्थी को सुझा पाना इतिहासकारों के लिए भी नामुमकिन है। आइए दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब को तलाश इस वीडियो में। साथ ही यह जानेंगे स्टालिन की मौत को रहस्यमय क्यों बताया जाता है। लेकिन उससे पहले सोवियत रसिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अभय, एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। यह नक्शा सोवियत रसिया का है, लेकिन दोस्तों आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह सोवियत रसिया बना कैसे। कहानी की शुरुआत 1917 से होती है। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई, निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर रूसी साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। इसके बाद फिर रूस ने लोकतंत्र की ओर रुख करने की कोशिश की, हालांकि इस दौरान यह देश गृह युद्ध में गिर गया। इस उलझन से निकलने के लिए रसिया को 5 साल लग गए। भारी मशक्कत के बाद व्लादिमीर लेनिन के अगुवाई में दूरदराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया। 1922 में आधिकारिक रूप से सोवियत संघ की स्थापना हुई। व्लादिमीर लेनिन इसके प्रमुख बने, हालांकि रूसी साम्राज्य के खाते में से पहले इसमें करीब 17 देश शामिल थे। लेकिन जब 1922 में सोवियत यूनियन का गठन हुआ, तब इसमें यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान से संधि कर इन्हें रूस में मिला लिया गया। सोवियत संघ में विभिन्न संप्रदाय और संस्कृति के लोग थे, इनमें काफी मित्रता थी, लेकिन इसमें रूसियों की तादाद ज्यादा थी। व्लादिमीर लेनिन का मानना था जो भी देश सोवियत संघ से मिले वहाँ के लोग धीरे धीरे रूसी संस्कृति में घुल मिल जाएंगे और एक दिन सोवियत संघ देश मिलकर बन जाएगा। जैसे ही व्लादिमीर लेनिन ने सोवियत संघ की बागडोर संभाली थी, उसके कुछ ही समय बाद 1924 में लेनिन की मौत हो गई। इसके बाद सोवियत संघ की बागडोर स्टालिन के हाथों में चला गया। सोवियत संघ की बागडोर स्टालिन के हाथ में आने की पूरी कहानी को हम जानेंगे। लेकिन आइए दोस्तों जोसेफ स्टालिन के जीवन के इतिहास पर भी नजर डालते हैं अगले वीडियो में। Thank you.